रायसेन में नेशनल हाईवे की सड़क पार करते वक्त एक अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी, जिसके बाद भालू को अस्पताल ले जाने के बजाय वन अधिकारी आपस में भोपाल रायसेन सीमा विवाद में ही उलझे रहे। रायसेन में एक सड़क हादसे में भालू गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना बिलखरिया जंगल से लगे नेशनल हाईवे की है। नेशनल हाईवे की सड़क पार करते वक्त रात में अज्ञात वाहन ने भालू को टक्कर मार दी थी। इस दौरान वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने भालू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय सीमा को लेकर आपस में उलझे रहे। उधर घायल भालू करीब 6 घंटे तक तड़पता रहा। राहगीरों ने भालू को सड़क पर तड़पता देख इसकी सूचना बिलखरिया पुलिस को दी। पुलिस ने पहले रायसेन और फिर भोपाल वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सबसे पहले रायसेन का वन अमला पहुंचा था, फिर भोपाल वन मंडल की क्रैक टीम पहुंची थी, लेकिन दोनों टीमें इस बात को लेकर उलझ गईं कि हादसा किसके क्षेत्र में हुआ है। आखिरकार सुबह तकरीबन 9 बजे भोपाल की क्रैक टीम ने भालू को वन विभाग नेशनल पार्क पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। भालू को रात 2 बजे बिलखरिया थाने के पास किसी वाहन चालक ने टक्कर मार दी थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।